Assalamu alaikum everyone, and welcome to another episode of our series Our World This Week, in which we cover current events. Is hafte hum log thoda sa different tarike se isko lekar chalenge. Is hafte this is an essay special, jiske andar hum log ek current topic ko jo ki climate change hai. Jaisa ki aap dekh sakte hain, Pakistan is going through a severe climate crisis, aur us perspective mein aaj hum log is essay ko lekar chalenge ki jiski topic statement maine choose ki hai ki the climate crisis is not just a third world issue. Matlab ki jo climate crisis hum log face kar rahe hain ye एक ग्लोबल इशू है, एक ऐसा इशू है जो कि सबको कंसर्न करना चाहिए, और इसको फाइट ऑफ करने के लिए या फिर इसको चेंज करने के लिए सबकी एफर्ट्स ज़रूरी हैं. सो दैट इज़ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक. ये हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स लेक्चर जो होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसको हम लोग एक एसे की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद अ कोटेशन. दिस कुड बी आवर हुक स्टेटमेंट जो कि एक एसे के अंदर होती है. Or the statement is by Angela Merkel, who is the chancellor, who is the ex-chancellor for Germany. Or the statement is that climate change knows no borders. It will not stop at the Pacific or the Arabian. It is a responsibility we all have to take. So you see that the quotation is very relevant to the topic statement that we have, that it is not something that will stop at the Arabian Sea or the Pacific. It is something that everyone has to take a responsibility for. So your hook statement is something that's very relevant and is very catchy for the examiner to read. उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं. तो हमारी थीसिस स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह से डेवलप करेंगे. थीसिस स्टेटमेंट यूजली आपकी एक से दो सेंटेंसेस की होती है. इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया है इस पर्टिकुलर केस में. तो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट वल्नरेबल टू फ्यूचर क्लाइमेट चेंज ड्यू टू देयर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, देयर जियोग्राफिक लोकेशन, एज वेल एज देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. इसके अंदर हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि एक तो उनका सारे का सारा लाइवलीहुड जो है वो आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, दूसरी उनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो यूजली इज क्लोजर टू द इक्वेटर्स, तो वो ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं वो फील करते हैं, और साथ ही साथ उनके पास रिसोर्सेज की कमी है. तो रिसोर्सेज की कमी क्यों होने की वजह से वो लोग मिटिगेशन और अडेप्टेशन वाली चीज़ें नहीं कर सकते. सो दैट्स अनदर मेजर इशू. ठीक है, और देयर इज एन अर्जेंट नीड दैट द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी कम्स टुगेदर टू शोल्डर दिस बर्डन and not just leave it to the ones most affected by it. तो अगर आपने thesis statement वगैरह के हवाले से अगर आपने मेरे lecture लिया हो या देखा हो, तो thesis statement takes the topic to a new direction. It hits the topic directly and takes it in a direction that you know grants you the ability to critically analyze the topic from a holistic angle. तो ये हमारी एक थीसिस स्टेटमेंट होगी कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू दैट द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी कम्स टुगेदर टू शोल्डर दिस बर्डन एंड नॉट जस्ट लीव इट टू द वंस मोस्ट अफेक्टेड बाय इट. ठीक है, इन अ फुल एसे वी विल बी राइटिंग मोर देन दिस, लेकिन क्योंकि ये एक हम लोग एसे स्टाइल करंट अफेयर्स का लेक्चर चला रहे हैं, तो इसके लिए इतनी आपको समझ आने के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं. उसके बाद कुछ स्टेटिस्टिक्स आ जाती हैं कि जो 2019 में जो आपकी ग्लोबल GHG ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन्स हैं, उसके अंदर लार्जेस्ट एमिटर्स आर द डेवलप्ड कंट्रीज, जिसके अंदर चाइना आ जाता है, US आ जाता है, इंडिया आ जाता है, यूरोपियन यूनियन आ जाता है, रशिया आ जाता है, जापान आ जाता है. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड आर द लार्जेस्ट एमिटर्स, आर द यू कैन से ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट अफेक्टेड हैं वो यूजली पुअर कंट्रीज़ हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि म्यांमार है, फिलीपींस है, बहामाज है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है जो कि 8th नंबर पे है. पाकिस्तान 8th नंबर पे मोस्ट अफेक्टेड है बाय क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी कंसर्निंग इन द सेंस कि डेवलपिंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लिटिल बट बेयर द ब्रंट ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स. और इसके इफेक्ट्स हम लोग इसी साल पाकिस्तान के अंदर जो एक डेवेस्टेटिंग फ्लड्स और डेवेस्टेटिंग लेवल के हमारे रेनफॉल से जो तबाही हुई है उसमें देख सकते हैं. सो नाउ दैट वी एस्टैब्लिश वी गिवन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि किस तरह से जो मोस्ट ऑफ द मेजर contributing countries to the global climate change are the developed countries, aur jo jinko sabse zyada effect aata hai wo developing countries hai. Now we take a case study, we take the case study of Pakistan. Pakistan which is situated in a semi arid or hyper arid region, aur ki wajah se uski vulnerability bahut zyada hai climate change ko. Theek hai, it only contributes 0.8% which is 135th in the world overall. मतलब कि 135th number पे पाकिस्तान आता है in terms of contributing to climate change. लेकिन it is 8th most vulnerable to it. मतलब कि 8th most सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो उसको आता है वो 8th नंबर पे पाकिस्तान को फील होता है, जिसके अंदर आप ये पीछे स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं. और
साथ ही साथ अब देखें तो NDMA जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने एस्टिमेट किया है कि बिटवीन 1994 एंड 2013 पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉसेज हुए देवर अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन। इस क्लाइमेट क्राइसिस को अगर हम लोग और डिटेल में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट 2022 की जो एक क्लाइमेट क्राइसिस पाकिस्तान के ऊपर आई है उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 949,000 हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड, द टोटल ऑफ 110 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डैमेज्ड, मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड। अब तो स्टेटिस्टिक्स डेली की बेसिस पे अपडेट हो रही होती हैं, तो आज की स्टेटिस्टिक ये है कि मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड, 2 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, 800,000 लाइफ स्टॉक हैज बीन लॉस्ट, द टोटल अफेक्टेड आर ओवर 33 मिलियन पीपल, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब हो चुकी है पाकिस्तान में। सो दिस इज ह्यूज, दिस इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट जो कि पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। और अगर हम लोग इसी इम्पैक्ट को क्लब करें इन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्राइसिस आर, तो हम लोग इसको चार मेजर, बल्कि इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन चार मेजर जो एरियाज जो इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को, वो सबसे पहले है फूड इनसिक्योरिटी, जिसके अंदर आ जाता है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड इवेंट्स की वजह से जो फ्लड्स और एक्सेसिव रेन्स आते हैं उसकी वजह से आपके क्रॉप्स बहुत सिवियरली डैमेज होती हैं, जैसे मैंने पिछले स्टेटिस्टिक्स आपको दी। इसके अंदर आप स्टेटिस्टिक्स जब आप एसे लिख रहे होंगे तो स्टेटिस्टिक्स भी कोट करेंगे कि 2 मिलियन एकर्स क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड इन द 2022 फ्लड्स। तो देर इज कॉन्सिक्वेंटली देर इज लो क्रॉप यील्ड, और पाकिस्तान को फिर फूड इनसिक्योरिटी की तरफ, जैसे कि अभी हमारा काफ़ी चीज़ें अपनी इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं तो ये फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ हेल्थ एंड डिजीज का इशू आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि 3 to 4 degrees Celsius राइज से इन एवरेज टेम्परेचर आपके डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है। ये आप देख सकते हैं कि इंटीरियर सिंध में जो काफ़ी अम्बात हो रही हैं वो ज़्यादा फ्लड्स की वजह से नहीं बल्कि ज़्यादा डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। सो ये काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है उसका। साथ ही साथ इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान को हर साल $3.8 बिलियन के लॉसेस फेस करने पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और अगेन इधर मैं कोट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान अभी $2 बिलियन IMF से लेने के लिए उसको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हर साल $3.8 बिलियन का नुकसान हो जाता है। और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक नुकसान के साथ माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2022 रेन्स जो हुई हैं उसकी वजह से 950,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, उनके घर उजड़ गए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन में पैसा लगेगा। सो दीज आर प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान। क्योंकि हमारा एसए का टॉपिक है तो इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस और आपकी एनालिसिस आर्गुमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी आर्गुमेंटेशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द थीसिस स्टेटमेंट दैट यू हैव चोजन, और उसके अंदर वो यही है कि द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ ग्लोबल नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अगेन सिंस दिस इज अ करंट अफेयर्स लेक्चर, और सारे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं पूरा एसे तो आपको नहीं डिक्टेट करवा सकता, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स ऑफ व्हाट शुड बी वेरी important to include in your essay. इसके अंदर देखिए मैंने आपको statistics भी दी हैं, इसके अंदर मैंने आपको comparative analysis दिया है, इसमें आपको पाकिस्तान की case study दी है, उसके बाद मैंने उसके impacts बताए हैं, अब उसके बाद मैं अब solutions के ऊपर आ गया हूँ कि क्या solutions होनी चाहिए to overcome this climate crisis, जो कि एक not just a third world issue है बल्कि it's a global issue. और वो क्यों global issue है, क्योंकि globally developed countries की वजह से climate crisis फिलहाल हमें फेस करनी पड़ती है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल है इवन दो देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस। सो इन ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ग्लोबल कम्युनिटी शोल्डर्स दिस ब्लेम। तो यहाँ पे दो एरियाज में मैंने अपनी वे फॉरवर्ड आप कह सकते हैं को डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं कि ग्लोबल मिटिगेशन एफर्ट्स होनी चाहिए, आपको इको फ्रेंडली अप्रोचेस और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी GHG मिशंस जो हैं उनको कम करें, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम से कम करें। जो एक कोल को फेज आउट करने की एक पैक्ट साइन किया गया है COP26 में, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 था जो कि 2022 में हुआ, उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए आपको उसके प्लान के ऊपर फोकस करना चाहिए। कार्बन ट्रेडिंग के ये जो एक एरिया है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगेन दीज आर डिटेल्स दैट वंस वी आर डूइंग द एक्चुअल एसे वी विल बी फोकसिंग ऑन इन ग्रेटर डिटेल, लेकिन अभी के लिए बिकॉज दिस इज़ अ यूट्यूब लेक्चर तो आई जस्ट
quickly go through this. Then there is a need to focus on afforestation. यहाँ पे भी आप a case study billion tree tsunami की include कर सकते हैं कि किस तरह से Pakistan has made so much effort in this regard of afforestation. हालांकि उसकी contribution बहुत कम है. So the global community needs to step up, and countries like China and US and India that are main contributors to climate change should form a nexus perhaps against climate change. So this is very important that the developed world steps up and takes responsibility for these losses. साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देर इज़ द नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन, क्योंकि सिर्फ मिटिगेशन एफर्ट्स आर नॉट इनफ, जो कि कंट्रीज़ जो सफ़र कर रही हैं उनके साथ कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए सबसे पहले आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि डेवलप कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश की हैं फॉर प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी और उसकी यूजेज के लिए. तो जिसमें सोलर पैनल्स आ जाते हैं, इसमें क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ जाती है, इस तरह की चीज़ों की टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है. जो एक ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर्म हुआ था 2015 में, उसकी जो कमिटमेंट थी कि $100 billion वर्थ ऑफ फंड एनुअली रेज किया जाएगा फॉर डेवलपिंग नेशंस, ताकि वो इस क्राइसिस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, उसकी बहुत ज़रूरत है कि उस फंड को इनिशिएटिव लिया जाए. जो कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट करना है वो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो कंट्रीज सफर कर रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान विच आर सफरिंग, आर एबल टू मैनेज द क्लाइमेट क्राइसिस बेटर. ठीक है, उनको इतने बड़े लॉसेज ना उठाने पड़े जो कि बहुत बोथ ह्यूमन लॉसेज हैं एंड इकोनॉमिक लॉसेज हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देर इज़ अ नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग में ही आ जाता है कि हेल्पिंग कम्युनिटीज प्रिपेयर फॉर वर्सनिंग डिजास्टर्स. इसके अंदर आप टेक्नोलॉजीज का तो शेयर है ही है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर हैंडलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस. So now we move on to the final part of our essay, which is the conclusion. और इसके अंदर भी आप usually conclusion के अंदर मेरे पिछले lectures जो मैंने essay के ऊपर share भी किए हैं YouTube के ऊपर, और कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ essay के lectures series भी ली है, उनको भी पता होगा कि conclusion के अंदर you usually restate your thesis statement, you restate what you've already mentioned in the introduction and give it a more conclusive end. ठीक है, तो इधर for the sake of this lecture मैंने simply a quotation add कर दी है. इसके अंदर obviously you'll be adding more details to your concluding paragraph, लेकिन for this particular video हम लोग सिर्फ एक कोटेशन पे एंड करते हैं कि द क्लाइमेट चेंज इज द डिफाइनिंग इशू ऑफ आर टाइम, वी आर लूजिंग द रेस. तो ये एप्टली कवर्स द क्राइसिस के एक तो ये एक डिफाइनिंग इशू है, लेकिन क्योंकि देर इज नो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन इट, बिकॉज द ग्लोबल कम्युनिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू दिस क्लाइमेट क्राइसिस, सो वी आर लूजिंग दिस रेस. और ये यू एन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की स्टेटमेंट है. तो दिस इज हाउ यू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So I hope you found this lecture useful. अगर आप further details इस particular topic के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि thesis statement writing की क्या requirements हैं, outline writing किस तरह से करते हैं, introductory और conclusion paragraphs में क्या क्या details होनी चाहिए, क्या क्या उसका crux है, क्या क्या requirements हैं, क्या क्या criteria है उस particular चीज़ों का, body paragraphs के क्या criteria हैं, तो एक और मेरा essay writing bootcamp start हो रहा है. 12 weeks online program है. It's very detailed in the sense कि आपके it not only covers the learning phase but also the practical implementation phase of things. ठीक है, तो 12 week program है. इसके अंदर details share कर दी हैं 12 weeks के लिए, जिसके अंदर हमारे detailed lectures हैं, weekly discussions हैं, full length essay assignments हैं, जिसके अंदर आपको हर वीक एक टॉपिक दिया जाएगा. उस टॉपिक की पहले आपकी आउटलाइन चेक होगी और उसके बाद फुल लेंथ एसे चेक होगा डिटेल के अंदर. ठीक है, और साथ ही साथ उसकी मैंने ये बता भी दिया कि डिटेल्स क्या हैं, कि लर्निंग फेज के अंदर हम लोग टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे, 16 डेप्थ लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम लोग ईच कॉम्पोनेंट को डिटेल में देखेंगे, किस तरह से उसको टैकल किया जाता है, जिसमें थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी पैराग्राफ, इन सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ एन एसे उसको देखेंगे. साथ ही साथ फिर हमारी एक इंप्लीमेंटेशन फेज होगी विच विल स्ट्रेच फ्रॉम 8 to 10 weeks, जिसके अंदर हम लोग फुल एसे प्रैक्टिस करेंगे. ऊपर वाली जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर साथ साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, जैसे मतलब थीसिस स्टेटमेंट का लेक्चर हुआ तो उसके साथ थीसिस स्टेटमेंट राइटिंग की एक असाइनमेंट होगी. लेकिन नीचे फिर जब हम लोग लर्निंग फेज से निकल आएंगे तो फिर हम लोग उसकी फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जिसके अंदर फुल एसे मॉक एग्जाम्स देंगे. सो वी विल बी डूइंग वन कम्प्लीट एसे एवरी वीक. फर्स्ट योर आउटलाइन एंड थीसिस विल बी एवेल्युएटेड एंड देन द एंटायर एसे. तो इसका अगर मैं प्लान आपके साथ शेयर करूँ, तो दिस इज़ अ मोर डिटेल्ड अकाउंट ऑफ आर 12 week प्लान, जिसके अंदर पहले वीक के अंदर हम लोग थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन राइटिंग देखेंगे. वीक 2 में विल लुक एट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड बॉडी पैराग्राफ्स. वीक 3 के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंटेशन टेक्निक्स को देखेंगे, और फिर एक फुल ओवरव्यू होगा कि हाउ डू यू मर्ज ऑल ऑफ योर लर्निंग इन टू अ फुल एसे.
ठीक है. उसके बाद फिर विल मूव टू द प्रैक्टिकल राइटिंग फेज, जिसके अंदर वीक 4 to 6 हम लोग डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, गवर्नेंस को देखेंगे. वीक 6 to 9 हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर यूएस चाइना और इस तरह के इश्यूज को देखेंगे. और फिर सोशल इशूज लाइक वाटर पॉवर्टी और ओवर पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग एसेज लिखेंगे. वीक 10 to 12 के अंदर हम लोग एजुकेशन लिटरेसी को देखेंगे, प्रेस फ्रीडम को देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉपुलिज्म को देखेंगे. और फिर हमारा एक CSS स्टाइल मॉक एग्जाम होगा. सो दिस इज हाउ द 12 वीक एसे plan would pan out. Aur sath sath I would like to mention ke I did get some queries ke screening test ka exam bhi hai isi dauran, lekin you need to understand that the screening test should not hinder your actual CSS preparation. It's very, you know, it's just a standard screening exam jiske andar 98% passing rate tha pichle last screening mein. So you don't need to over focus on it. Do focus on it, lekin itna na karein ki aapki baki jo taiyari hai wo impact ho. Saath hi saath I would like to mention ki there's a possibility ke screening test probably might get delayed because of the floods. FPSC ko ek petition move ki gayi hai. So it's better to not just delay your actual preparation for it, for the screening test. And वैसे भी हम लोग इस particular session के अंदर जो screening test का week होगा उसके अंदर हम लोग ना सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के कुछ लेक्चर्स करेंगे, बट साथ साथ मैं आपको फ्री टाइम दूंगा. उस वीक हम लोगों के कोई लेक्चर नहीं होगा जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकें. ठीक है, तो आई होप दिस क्लैरिफाइज सम ऑफ द कंफ्यूजन दैट वाज सराउंडिंग दैट. एंड देर आर अ फ्यू सीट्स अवेलेबल, तो आप जितना जल्दी अप्लाई कर सकें करें. एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर लिसनिंग. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज. एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियो. गेटिंग अ बेटर आउटरीच रियली एनकरेजेस मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस. And I hope you found this useful. Apna khayal rakhiyega. Shukriya. Allah Hafiz.